बहराइच में हिंसा, हंगामा और हंगामे की तस्वीरें आपने देखी, तो इसके पीछे वजह क्या थी? आखिर क्यों मुस्लिम समाज डीजे को लेकर भड़क गया? क्या विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि फायरिंग की नौबत आ जाए और मूर्ति विसर्जन करने गए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए? बहराइच में इस हंगामे के पीछे की एक एक वजह इस रिपोर्ट में जरा देखिए। दुर्गा विसर्जन पर टेंशन, कौन दुश्मन? पहले बरसे पत्थर, फिर गोली फायर। बहराइच से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की जो तस्वीरें सामने आई, उसकी वजह क्या है? आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और ये हिंसा आखिर भड़की कैसे? इसका सच जानने के लिए जब जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत बीती शाम तब हुई जब हिंदू पक्ष दुर्गा विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहा था। जुलूस जब महाराजगंज इलाके में मुस्लिम मोहल्ले के सामने से निकला तो डीजे बजाने पर विवाद हो गया। आरोप है कि पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवा झंडे को हटाया और फिर जुलूस पर पथराव कर दिया। इसी बीच जुलूस में शामिल रामगोपाल नाम का युवक गुस्से में वहां मौजूद एक मुस्लिम शख्स के घर की छत पर चढ़ गया और उसने भी वहां लगे झंडे को उतारने की कोशिश की, जिसके बाद घर के लोग रामगोपाल को घसीट कर अंदर ले गए और पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसे गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। विवाद के वक्त रामगोपाल जो है वो इसी छत पर जो है विवाद के बाद चढ़ जाता है, जब डीजे को लेकर विवाद होता है और वो यहीं पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा रहा होता है, उसी वक्त ही उसको अंदर खींच के लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही दुकान है और आपको बता दें कि जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें रामगोपाल दिखाई पड़ रहा है। रामगोपाल मिश्रा यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर होता है, डीजे आपको बता दें कि यहीं पर रोका जाता है, विवाद होता है। जानकारी में ये भी बात सामने आई कि मुस्लिम समाज के लोगों ने दुर्गा विसर्जन जुलूस पर हमले के लिए पहले से प्लानिंग बना रखी थी। इसके लिए वहां बड़े पैमाने पर पत्थर, कांच की बोतलें रखी गई थी, साथ ही पेट्रोल बम से हमले की भी साजिश थी। बकायदा साजिश के चलते यहां पर कांच की बोतलों को पहले ही लाकर रखा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर यहां पर बकायदा पथराव किया जा सके और कांच की बोतलें फेंकी जा सके। साथ साथ बोतलों के बाद अगर हम बात करें तो साजिश का एक और सबूत ये दिखाई पड़ता है कि यहां पर बकायदा पेट्रोल बम भी तैयार किया गया था और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बकायदा ये जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर आगजनी की गई थी, यहां पर बकायदा पेट्रोल बम जो है तैयार किया गया था। ऐसे में बड़ी वारदात को यहां पर और भी जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के छोटे छोटे पत्थर बकायदा घरों के पास जो है इकट्ठा किए गए थे, ऐसे में ये पत्थर यहाँ पर रखे गए थे और ये पथराव के वक्त जो है पूरा प्रयोग किया गया था। साजिश के तहत ये कहा जा सकता है कि इसको पूरी प्लानिंग की गई थी। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि जब वो वहां से निकले तो सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हथियार लिए भीड़ पर टूट पड़े। कम से कम 500 मुसलमान सब आए गए हैं, ट्रैक्टर एक पिकअप टूट डे रही, हमारा ट्रैक्टर जब ट्रैक्टर तूरे लाग है तब हम भागे हैं ईटन से और आधी कट्टा ले रहे हैं, तलवार ले रहे हैं, ये सब रपटावत रहे हैं, तब साहब हम भागे हैं जो बचाए गया कौन होता है। उसके बाद जब यहाँ ईटा आधा चलाए हैं तो जो अंदर मार्केट के अंदर जब लोग इधर वापस लौटे तब तक पुलिस वाले जो है लाठी डंडा चार्ज कर दिए हमारे लोगों के ऊपर। ये क्या दुकान के अंदर इसी दुकान के अंदर लेके गए थे? जी 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 लड़का कहिया लेके गए गोली मार दें बेहतर खाए और सड़ सी प्लास से उनके नाखून उखा लें साहब। वहीं हमले में घायल शख्स का कहना है कि जानबूझकर जुलूस में डीजे बजाने से रोका गया और फिर पथराव किया गया। कम से कम 50-60 आदमी तो रहे थे, सब सोटा कोनो बिल बल्लम ले रहा है, कोनो काता ले रहा है। आपके हाथों में असलहा था? नहीं, बांका का था, वहाँ वो था लेकिन अंदर जो मारे थे दो आदमी, एक आदमी को तो उसका गोली से मारा, बाहर से पकड़ लेंगे घर के अंदर मारी, अंदर पल्ला बंद कर ली नहीं, उसके बाद मारी नहीं। इस बीच गोली मारने वाले नामजद आरोपी सलमान की तस्वीर भी सामने आई है जो हथियार के साथ नजर आया। बताया गया कि हमले के बाद उस मकान में मौजूद सभी आरोपी फरार हो गए जिनकी तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम दबिश दे रही है।
विशाल रघुवंशी, बहराइच, जी मीडिया। बहराइच हिंसा पर प्रशासन का एक्शन जारी। बहराइच के महेशी इलाके को छावनी में तब्दील किया जा चुका है। एसपी और एसएसपी रैंक के 4 अफसर वहां तैनात किए गए। आरएफ की कंपनी तैनात की गई। 4 डीएसपी तैनात किए गए। पीएसी की 3 कंपनियों को वहां तैनात कर दिया गया और पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि बहराइच में हालातों को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके और जितने अराजक और उपद्रवी तत्व वहां पर मौजूद हैं सबको सलाखों के पीछे डाला जा सके। लेकिन बहराइच को सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलाने की कोशिश हुई तो सीएम योगी ने भी सख्त तेवर दिखाए। Z News.